फिर से हम कहेंगे हर हर महादेव। हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट हमको पहले ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके, हमको समझना पड़ेगा कि अगर किसी स्केलर क्वांटिटी का किसी वेक्टर क्वांटिटी पे मल्टीप्लाई किया तो उसको ग्राफिकली कैसे समझेंगे। वो समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ये करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको हमारा जो टॉपिक का नाम है दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ ऑफ अ स्केलर विथ अ वेक्टर। एक स्केलर का एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, जैसे कि हमारे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर, है ना, ये हमारे पास एक वेक्टर था ए वेक्टर। ओके, इट इज़ अ वेक्टर। ओके, और हमने एक नया वेक्टर बनाया बी वेक्टर, है ना, जिसका वैल्यू है के टाइम्स ए, है ना, और के जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो हमारे पास में एक नया वेक्टर बना जिसका मैग्नीट्यूड जो है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ए वेक्टर के कंपैरिजन में के टाइम्स हो जाएगा। ए वेक्टर के टाइम्स कितना हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा, बाकी डायरेक्शन सेम रहेगा। क्या रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर इसी के पैरेलल, इस ए वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर ड्रॉ करेंगे बी वेक्टर पर, इस बी वेक्टर का लेंथ जो है वो ए वेक्टर के कंपैरिजन में के टाइम्स हो जाएगा। ए वेक्टर के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, के टाइम्स। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग, है ना, ये कॉन्सेप्ट हमको लिख लेना चाहिए, ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर, ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विथ अ वेक्टर, विथ अ वेक्टर क्या क्या होगा भैया। पहला पॉइंट डायरेक्शन रिमेन सेम। क्या रहेगा, डायरेक्शन रिमेन सेम, डायरेक्शन सेम ही रहेगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट, मैग्नीट्यूड बिकम के टाइम्स, मैग्नीट्यूड बिकम के टाइम्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड बिकम के टाइम्स, मैग्नीट्यूड के टाइम्स हो जाएगा जो हमने देखा। ओके, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर हमने यहाँ पर, है ना, जैसे ए वेक्टर में माइनस वन का मल्टीप्लाई किया, माइनस वन तो स्केलर है, तो जो बी वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा माइनस ए वेक्टर। अब इस माइनस ए वेक्टर का क्या मतलब है, इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव साइन टू अ वेक्टर, दिस डायरेक्शन बिकम रिवर्स, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको समझना है। जैसे ये है आपका ए वेक्टर, तो बी वेक्टर जो होगा वो होगा अपोजिट टू ए वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा, हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि अगर हमने माइनस वन का मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, देर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि अगर हमको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे मॉड्यूलस साइन, हम मॉड्यूलस साइन का यहाँ पर यूज़ करेंगे, या फिर सिंपल लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पर ए, अगर ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, और आपने सिंपल एरो साइन नहीं लगाया है और सिंपल लिखा है, दैट इज द मैग्नीट्यूड। तो ये एक और पॉइंट आपको लिख लेना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन रिप्रेजेंट बाय द मॉड्यूलस साइन। कैसे यूज करेंगे, बाय मॉड्यूलस साइन, हम यूज करेंगे मॉड्यूलस साइन की हेल्प से, बाय मॉड्यूलस साइन, और बाय सिंपल लेटर का क्या मतलब, सिंपल लेटर का मतलब ए लिख दो भैया, तो वो उसको मैग्नीट्यूड बताएगा। जैसे आपने लिखा आर वेक्टर, है ना, आर वेक्टर के लिए लिख दिया आर, तो आर इसका मतलब क्या है, आर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देखा, कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि अगर किसी
स्केलर क्वांटिटी का हमने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, सो देर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर ये नई बात हमने समझ तो ली, पर इसका यूज़ कैसे करेंगे। यूज़ के लिए हम कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं, है ना। जैसे कि हमने लिखा, बच्चा लोगों, हमने लिखा फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दिस मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये मास क्या है? ये है स्केलर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन क्या है? ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही होता है, पर उसका वैल्यू एम टाइम्स होता है। एक्सेलरेशन के कंपैरिजन में एम टाइम्स होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमने देखा, दिस इज एग्जांपल नंबर वन। और हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि हमने देखा मोमेंटम पी वैक्टर इज इक्वल टू मास इंटू वेलासिटी। क्या देखा? मोमेंटम पी वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो मास है, फिर से वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है ना। और एग्जांपल देखते हैं, हमने लिखा करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई। क्या लिखा? करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई। तो करंट डेंसिटी जे जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, सिग्मा दैट इज द कंडक्टिविटी स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं हमारे पास, है ना। तो हम जब स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ में करते हैं तो वहाँ पर उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है और मैग्नीट्यूड के टाइम्स हो जाता है। और अगर माइनस का मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई किया है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ओके, फिर से हम कहेंगे हर हर महादेव।